अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश आबाद हंस और मुस्कुरा रहे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अभी बज रही हैं रात के 8:30 और मेहमान आ रहे थे, गेस्ट थे कुछ, उनके लिए कुछ नहीं मीन्स मेरी सिर्फ नंदी थी, तो वो लाहौर की हुई थी अपने ससुराल मतलब जेठ वगैरह से मिलने। अभी वो वापस आ रही थी लाहौर से, तो उनके लिए मैंने बनाई है ये चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी मेरी और साथ में बन रही हैं जी गरम गरम रोटियां। जिस जिसने खानी है तो खुद बनाओ अपनी और खुद ही खाओ, क्योंकि मैं किसी को नहीं देने वाली। नहीं, आप सबके लिए बनाऊंगी, फिक्र ना करें और जिक्र ना करें। इतनी रोटियां बनाने बैठूंगी तो लगता है कि पता नहीं कितने दिन गुजर जाने हैं, जितने मेरे बेचारे अच्छे अच्छे बेचारे कह रही हूँ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इन सब के लिए बनाने बैठूंगी तो मुझे लगता है कि 1000 दिन में बना ही लूंगी। तो ये बन गई रोटियां गरम गरम और साथ में मैंने बनाई थी खीर, चावलों की खीर, और बड़े ही मज़ेदार खीर बनी थी। चावलों की खीर जब भी बनाएं तो हमेशा ज़्यादा दूध लें और उसमें हमेशा हाफ कप भी चावल रखें। और मैं कभी भी बॉयल करके या फिर ग्राइंड करके राइस नहीं डालती, चावलों को मैं भिगो के हाफ आर रख देती हूँ। हाफ आर भिगोने के बाद मिल्क को बॉयल करती हूँ और उसमें राइस डाल देती हूँ और फिर उसको लो फ्लेम पे पकने रख देती हूँ। पहले काफ़ी टाइम जो है फुल फ्लेम पे पकाती हूँ, उसके बाद मैं लो फ्लेम कर देती हूँ और फिर मज़े की खीर बन जाती है। और ये हो गया जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में हमारा मेन्यू था कि क्यों ना चावल दाल आज बनाई जाए, साथ में रायता भी होगा। और रायते की मैं तो वीडियो बनाने ही भूल गई शायद, पता नहीं कहाँ खो गई मेरा रायते की वीडियो। तो ये बन रहे ये चावल, साथ इनको लगाया जा रहा है, चावल नहीं दाल, सॉरी दाल बन रही है, इसको लगाया जा रहा है तड़का गर्मा गर्म शाशा करता हुआ। आप लोगों ने आवाज़ें सुनी ही होंगी। तो दाल जो है ना बन गई, और ठंडा ठंडा मौसम में गर्म गर्म दाल साथ चावल, और हमने सोचा साथ में चिप्स भी बनाए जाए तो अच्छा मेन्यू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से चिकन 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 बन रहा था और इतना चिकन खा खा के भी इंसान जो है ना अक जाता है और पक भी जाता है। और अब ये बनाई जा रही है चिप्स, और चिप्स बनाई जा रही है। वैसे वीडियो मैंने शूट की थी साथ में राइस की भी और रायते की भी, अल्लाह जाने भी वीडियो कहाँ खो गई। मुझे मिली नहीं, जब मैं व्लॉग यानी कि एडिट करने बैठी तो मुझे वो क्लिप्स मिले ही नहीं, किधर गुम हो गए अल्लाह जाने पे। चाहे लगता है कि मोबाइल भी निकल गया उन क्लिप्स को शायद, हो सकता है, या फिर मैंने जब ट्रांसफ़र किए लैपटॉप में तो उस टाइम शायद मुझसे मिस्टेक हो गई और वो क्लिप्स मैंने जो है ऐड करना मैं भूल गई। चले छोड़े उसको, चावल तो आप सबको बॉयल करने आते ही हैं। और ये देखिए ये बन रही है जी ग्रिल फिश, और ये जी मेरे हब्बी जनाब का मेन्यू है, रात का टाइम हो चुका था तो ये ग्रिल फिश बनाई जा रही है। और बनने के बाद मैंने सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन बनने के बाद जो है मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला, कुछ भाग दौड़ हो रही थी क्योंकि हम कुछ बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहे थे। मेरी जो नंद की बेटी है उनकी बर्थडे थी, बर्थडे तो गुजर चुकी थी लेकिन इन कजन्स ने प्लान किया था कि आज हम बर्थडे पार्टी करते हैं और हमने सारी सेलिब्रेशन करनी है, हमने फुल डेकोरेशन भी करनी है। अब बच्चे लगे हुए तो हमने सोचा चलो हम बड़े भी इनका साथ दें, क्यों ना सब मिलकर एंजॉय करें, तो हमने इनकी हेल्प कर दी और ये डेकोरेशन की हमने सिंपल सी डेकोरेशन करने के बाद जो है हमने केक भी कट किया। केक कट करने के बाद हमने म्यूजिकल चेयर भी खेली और एंड पे जो है बर्थडे गर्ल ने हमें डांस भी करके दिखाया, तो वो सारा जो है आप सुनोगे ओरिजिनल वॉइसेस के साथ। तो मेरी यहाँ तक ही वॉइस ओवर है, उसके बाद आप इंजॉय कीजिए आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Happy birthday to you, you got it. Happy birthday to you. चलो चलो चलो।
Dado. Ah.